بسم الله الرحمن الرحيم. वो कौन सी सूरह है जो मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचाने के लिए काफी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह काफ, ऑप्शन सी सूरह यासीन, ऑप्शन डी सूरह रहमान। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह काफ। वो कौन सी नियामत है जो बंदे को मिल जाए तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अच्छा पड़ोसी, ऑप्शन बी नेक दोस्त, ऑप्शन सी नेक बीवी, ऑप्शन डी नेक औलाद। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेक बीवी। तय किया हुआ मेहर अगर शोहर अदा ना करे तो वो कौन से गुनाह में मुर्तकिब होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जिना, ऑप्शन बी बकीली, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी कोई गुनाह नहीं। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जिना। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपके जवाब का समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु।